दोस्तों ऐसा बहुत कम होता है कि कोई ऐप अपने डेवलपर को रातों रात करोड़पति बना दे, लेकिन चीन के जैंग यिमिंग के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। 2008 में जैंग ने माइक्रोसॉफ्ट ज्वाइन की, लेकिन वहाँ इनका दिल ज़्यादा नहीं लगा, फिर उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट को छोड़ दिया। फिर 2012 में इन्होंने बाइट डांस नाम की एक कंपनी खोली। इस कंपनी ने अपनी सबसे पहली मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की और यह एप्लीकेशन बुरी तरह से फेल हो गई और यहाँ तक कि चाइना की गवर्नमेंट ने इसे पूरी तरह से बैन कर दिया। फिर जैंग ने टोटू ऐप बनाया जो लोगों के बीच इन्फॉर्मेशन और न्यूज़ शेयर करता है। इस ऐप को 1.3 करोड़ लोग इस्तेमाल करने लगे। फिर सितंबर 2016 में जैंग की कंपनी ने ड्यून नामी एक एप्लीकेशन बनाई। यह एप्लीकेशन दरअसल टिकटॉक ही था, जिसे चाइना में ड्यून कहा जाता था। देखते ही देखते यह एप्लीकेशन चाइना में बेहद मशहूर हो गई। फिर 2017 में टिकटॉक के नाम से इस एप्लीकेशन को पूरी दुनिया में लॉन्च कर दी गई और आज जैंग यिमिंग की नेटवर्थ करीब $44.5 बिलियन है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।